देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट थे कि सर 5% के रिटर्न ETF से नहीं बन सकते मंथली, तो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में कि मात्र 19 से 20 दिन में 7% से ऊपर के रिटर्न ETF ने निकाल के दिए हैं। वो कौन सा ETF है और कैसे आपको उसमें काम करना चाहिए था जिससे आप 7-8% रिटर्न मात्र देखिए 19 से 20 दिन में, और हो सकता है उससे पहले भी निकाल लें। तो आपको किस तरीके से काम करना है, कैसे काम करना है, इससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा वो ETF कि कौन सा वो ETF है जिसने आपको मात्र 19 से 20 दिन में 7% से भी ज़्यादा के रिटर्न निकाल के दिया है। लेकिन उससे पहले निवेदन, जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब, बगल में जो घंटी का आइकन है इसको हिट कीजिए, ऑल पे सिलेक्ट कीजिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँचता रहे। तो चलिए हम देखते हैं वो कौन सा ETF है जिसने आपको मात्र 19 दिन में बड़े बेहतरीन और ज़बरदस्त रिटर्न निकाल के दिए हैं जो कि 7% से ऊपर के बैठते हैं। तो देखिए वनडे का चार्ट लगाया हुआ है मैंने, ठीक है सर, वनडे का चार्ट लगाया हुआ है, और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको वो कौन सा ETF है जिसने उस ETF ने आपको 7% से ऊपर के रिटर्न बना के दिए। तो देखिए हम खोल लेते हैं फार्मा बीज, ठीक है, आपको पता है इसमें फार्मा सेक्टर की सारी कंपनियाँ आती हैं, सारी कंपनियाँ इसमें फार्मा सेक्टर की हैं, और बहुत टॉप क्लास कंपनियाँ हैं फार्मा सेक्टर की। पूरा ETF जो है ये बास्केट है, फार्मा सेक्टर की कंपनियाँ जितनी भी है उसका बास्केट है, बहुत सारी कंपनियाँ इसमें। कौन कौन सी कंपनियां इसमें सम्मिलित हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजी आप लगा के ETF के साथ काम कर सकते हैं, इनके ऊपर मैंने लॉट ऑफ वीडियो बनाए हुए हैं, पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है मैंने ETF का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूँ प्लेलिस्ट का, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप जाके एक बार चेकआउट करिए। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ साझा करी है। जो लोग लाखों रुपए के पेड कोर्सेज में बेचते हैं ना, मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं, तो आप उनका भरपूर फ़ायदा उठाइए और ज़बरदस्त तरीके से रिटर्न जो है आप वहाँ से बनाइए। तो इसमें भी देखिए जो मैंने एक स्ट्रेटजी बताई हुई है उसी का इस्तेमाल अगर आप इस ETF के लिए करते हैं तो देखिए क्या शानदार रिटर्न इसने यहाँ पे बना के दिए हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया, वन डे का आपको चार्ट रखना है, चार्ट का टाइम फ्रेम क्या रखना है, वन डे रखना है, ठीक है सर। और स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है आपकी, स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी रहने वाली है, स्विंग ट्रेडिंग आपको करनी होती है किसी भी ETF में, ठीक है। तो मैंने एक वीडियो बनाया है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है वो, ये देखिए बहुत ही शानदार आपको जो है रिटर्न बना के देती है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी। इसमें है क्या, तो देखिए मैंने इसमें एक इंडिकेटर लगाया हुआ है RSI, RSI को आप इंडिकेटर को प्लॉट करेंगे, बनडे का चार्ट रखेंगे, और मैंने इसकी जो है छोटी सी वैल्यू यहाँ पे चेंजेस की है। उसमें जो ये नीचे वाली लाइन है ये 40 रखी हुई है, ठीक है, ये 40 रखी हुई है, ऊपर वाली लाइन जो है ये 60 रखी हुई है। आप देखेंगे ये RSI जो है ना 100 के बीच में चलती है, यानी कि ऊपर 100 और नीचे 0, तो ये 0 से नीचे नहीं जा सकती और 100 से जो है RSI ऊपर नहीं जा सकती, इसी के बीच में रहती है। तो हमें ट्रैक क्या करना है कि जब भी RSI 40 के आसपास आए तो हमें इसमें जो है बाइंग स्टार्ट करनी है, और RSI 40 को तोड़ के अगर नीचे चली जाती है तो कंटिन्यूसली इस पर बाइंग आपको रखनी है, चाहे ये 2 दिन रहे, 3 दिन रहे, 4 दिन रहे, 5 दिन रहे, आप जो है कंटिन्यू यहाँ पर बाइंग रखेंगे RSI जब 40 के नीचे जाएगी, और जब ये 60 के ऊपर आनी शुरू हो जाएगी तो आप इसमें अपना जो है SL ट्रेलिंग लगा के, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के, स्टॉप लॉस वैसे होता नहीं है किसी भी स्ट्रेटजी में, लेकिन आप ट्रेल कर करके जो है इसमें अधिक से अधिक प्रॉफिट इसमें बुक कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ आपको लगता है जैसे कि इसने देखिए 7% का रिटर्न दिया है, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा, तो देखिए आप इतना रिटर्न से अगर संतुष्ट हैं, आप 7% लेने के बाद भी आप जो है इससे बाहर निकल सकते हैं, शानदार रिटर्न इसने आपको बना के दिए। तो स्ट्रेटजी क्या थी इसमें, RSI की स्ट्रेटजी थी, RSI में आपको क्या करना है, वन डे का चार्ट लगाना है, उसकी जो वैल्यू है वो चेंज करनी है, नीचे की लाइन की 40 रखनी है, ऊपर की लाइन की 60 रखनी है। ये कैसे रखनी है ये मैंने बिल्कुल डिटेल में ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी में बताया हुआ है, वहाँ से जाके वीडियो को एक बार चेकआउट जरूर करें। तो देखिए आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ही ये 40 के आसपास आया है ना, जैसे ही ये 40 पे आया, यहाँ पे देखिए वन डे में 40 पे आया, इस लाइन पे आया 40 में, आपने यहाँ से बाइंग अगर स्टार्ट करी तो 1 दिन 2 दिन, ठीक है, 17 तारीख से आपने बाइंग स्टार्ट करी यानी कि 17 मई से, और ये देखिए आपकी बाइंग जो है 2 दिन के आसपास चली, बहुत से बहुत आपने 3 दिन करी नहीं होगी, 2 ही दिन बाइंग करी इसने, ठीक है, और इसने 2 दिन की बाइंग के बाद 17 तारीख के बाद आज तक जो आप इसके रिटर्न कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए क्या रिटर्न इसने आपको बना के दिए हैं, ठीक है सर। जबकि आपकी एवरेजिंग हो गई, जो 17 तारीख में ख़रीदा वो 18 में आपने और भी नीचे ख़रीदा, ठीक है, तो ये देखेंगे लगभग जो है, ये देखिए इस वाली कैंडल पे, आज की क्लोजिंग की कैंडल पे हम देख लेते हैं,
तो ये देखिए 7% से ऊपर के रिटर्न इसने आपको बना के दिए। मैं आप एक बार आपको और भी दिखा देता हूँ। ये देखिए टाइम जो लगा है वो लगा है 10 बार बने हैं, 19 दिन का समय लगा है और 7.41% के रिटर्न इसने आपको बना के दिए हैं। इतने जबरदस्त रिटर्न बना के दिए हैं, ठीक है सर, 19 दिन में। मैक्सिमम आप 20 दिन में मान लो, ये 41.41% छोड़ दो, तब भी आपने लगभग इसमें से 7% के रिटर्न बना लिया। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे एंट्री लेने में लेट हो गए या प्रॉफिट बुक करने में भी लेट हो गए, और ये अभी देखिए ये ऊपर ही चल रहा है, 60 के ऊपर चल रहा है, तो अभी भी आप 7% के प्रॉफिट यहाँ से बुक कर सकते हैं। तो जो लोग कह रहे थे ना कि 5% के प्रॉफिट भी बुकिंग नहीं आती है सर ETF में, तो ये देख लीजिए, आपके सामने एग्जाम्पल है। मात्र 19 दिन का समय लगाया और 7% की प्रॉफिट बुकिंग ये आपको दे रहा है। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी को देखना है, जहां अपॉर्चुनिटी बन रही है आपको वहीं अपना इन्वेस्टमेंट जारी करना है, वहीं स्विंग ट्रेडिंग करके आपको जो है रिटर्न निकालने हैं। क्योंकि अगर आप बेहतर रिटर्न निकालना चाहते हैं तो आपको मौके तो देखने पड़ेंगे, है ना, मौके देखने पड़ेंगे, अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी। और अगर आप सही अपॉर्चुनिटी पर काम करते हैं तो नतीजा कुछ ऐसा निकल के आपके सामने आएगा जैसा कि ये है, 7% के रिटर्न आप 19 दिन में भी बना सकते हैं। बहुत सारे ETF हैं, लॉट ऑफ ETF मैंने आपको बताए हुए हैं, बहुत सारे ETF में आप काम कर सकते हैं। 15-20 ETF में आप काम करिए, एक प्लेलिस्ट बना के रखिए, जिसमें भी अपॉर्चुनिटी बने आप वहाँ पे बाइंग स्टार्ट कीजिए। मैंने बताया ये ETF है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, करंट मार्केट प्राइस पे बाइंग सेलिंग होती है और इनको जाना तो ऊपर ही होता है। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि जब भी ये 40 के आसपास आए आप इनमें बाइंग स्टार्ट कर दें, 40 को तोड़ के नीचे जाएं, कंटिन्यूसली बाइंग रखें 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और उसके बाद फिर आप वेट करें। आपका जहाँ भी आपका मन ठुकता हो, आप 5% लेके निकलना चाहते हैं आप 5% लेके निकल लीजिए, आप जल्दी जल्दी फंड को रोटेट करते रहिए। आप 7% ले सकते हैं, ये 10% भी आपको देते हैं, 15% भी आपको देते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे ये टूटा था मार्केट, निफ्टी फार्मा बीज जब ये टूटा, तो ये देखिए क्या शानदार रिटर्न इसने आपको यहाँ से भी बना के दिए। तो आप अगर इतने दिन रुक सकते थे तो ये देखिए कंटिन्यू यहाँ पे, अगर ये बात करूँ मैं, यहाँ से 40 के नीचे आया और देखिए यहाँ से 40 के नीचे ही चला, ये फिर थोड़ा सा ऊपर गया, चाहे तो आप बराबर शराबर में निकल सकते थे अगर आपको लगता कि मैं फंस गया। उसके बाद फिर ये नीचे आया और यहाँ तक आया। अगर किसी ने यहाँ तक एवरेज आउट किया होगा इस ETF को, वैसे तो बहुत लंबा समय हो गया, अगर यहाँ तक एवरेज आउट भी किया तो देखिए उसके बाद फिर रिटर्न भी तो देखेंगे आप, क्या शानदार 12% के रिटर्न इसने बना के दिए हैं, ठीक है, 76 दिन में 12% के रिटर्न, ठीक है सर, 3 महीने का समय भी पूरा नहीं हुआ, 12% के रिटर्न इसने बना के दिए, ठीक है। तो 4%, 4.5%, 5%, ये तो मैं एवरेज से देख रहा हूँ, तो इतने रिटर्न है, वरना इसने हो सकता है, देखिए बिल्कुल इसके बॉटम से अगर आप देखेंगे तो इसने आपको कितने रिटर्न बना के दिए हैं। अगर आपने बिल्कुल बॉटम तक इसको जो है एवरेज आउट किया होता तो इसने कितने रिटर्न आपको बना के दिए, देखिए 14%। तो 5% मंथली निकल जाएगा, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी देखनी होगी। एक ETF में 5% मंथली नहीं बना सकते, आप अलग अलग ETF में पैसे लगाइए, अपने फंड को डाइवर्सिफाइड कीजिए। और मैंने बताया बहुत सारी वीडियो में कि सारा का सारा पैसा कभी भी मार्केट में आपको एक साथ नहीं लगाना है, उसको SIP के थ्रू लगाइए, उसको जो है लॉट वाइज लगाइए और स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू उसमें प्रॉफिट बुक करिए। पूरी की पूरी क्वांटिटी जो भी आप खरीदेंगे आपके एवरेज प्राइस से जब भी 5-7% 10% ऊपर आए आपके प्रॉफिट के अनुसार, आप उसको पूरी क्वांटिटी एग्जिट करिए। मार्केट दोबारा आपको मौका देगा, दूसरे ETF में निवेश करिए, पैसे को रोटेट करिए, कंटिन्यूअसली प्रॉफिट निकालते रहिए, मंथली और वीकली प्रॉफिट आपके बनते रहेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास है तो वेरी गुड, नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ मैं स्टॉक कार्ट का, जरूर होगा, आप किसी के साथ भी अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 2 मिनट का KYC का प्रोसेस है, उसको पूरा करने के बाद आप अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा कि 5-7% के रिटर्न भी मंथली ETF से निकाले जा सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए चैनल को, अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का आइकन है उसको जरूर हिट कीजिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँचता रहे। इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।